इंदौर के डेली कॉलेज में मृतक कौए में बर्ड फ्लू के पुष्टि होने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन भी अलर्ट पर है। चिड़ियाघर में दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है, इसके साथ ही पक्षियों की विशेष देखभाल भी की जा रही है। चिड़ियाघर के डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि इस तरीके से पिछले 3 दिनों में 50 से अधिक कौओं की मौत हुई थी, जिसमें से 2 कौओं की जांच के बाद उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके बाद लगातार इस पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और सभी को बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि राहत की बात यह है कि यह फ्लू अभी तक केवल कौए में ही पाया गया है, क्योंकि कौआ फ्री बर्ड है, वह कहीं भी आ जा सकता है। ऐसे में संभावना है कि राजस्थान से यह फ्लू पहुंचा हो। किसी चिड़ियाघर बर्ड सेंटर में यदि फ्लू फैलता है तो उसे आसानी से काबू किया जा सकता है, लेकिन यदि फ्री बर्ड में फ्लू पाया जाता है तो इसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग और चिड़ियाघर प्रबंधन इस पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।